आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही मजेदार और स्वादिष्ट ये सेव वाले लड्डू, और इसे बनाने का सही तरीका भी बताऊंगी। तो आइए देखते हैं ये कैसे बनता है। तो यहाँ पे मैंने एक गिलास भर के लिया है बेसन, इसे अच्छी तरह से छान लेते हैं। इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं और इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाना है। और साथ ही में नमक ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा। तो इसमें आपको पानी थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिलाते जाना है, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। ये अभी गाढ़ा मुझे और लग रहा है, इसमें थोड़ा पानी और ऐड कर लेती हूँ मैं। तो ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए बैटर की। यहाँ पर देखिए मैंने एक गिलास पानी लिया था, लेकिन इसमें आधा ही पानी यूज़ किया है मैंने। कढ़ाई में तेल गरम कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए तीन मोल्ड हैं, एक मोटा है, एक बारीक है और एक मीडियम साइज का है। तो यहाँ पर मैं मीडियम साइज वाला यूज़ कर रही हूँ। अब इस बैटर को डाल देते हैं सांचे में। ध्यान रखिए बैटर ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, वरना इसे गिराने में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे हमारा तेल भी गर्म हो चुका है, अब इसे डाल देते हैं। तो इसमें जैसे ही बबल कम हो जाएंगे, इसे दूसरी साइड से भी पका लेते हैं। तो ये अच्छे से क्रिस्पी हो चुका है, अब इसे थाली में निकाल लेते हैं और ठीक ऐसे ही सभी को बना लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। इसमें डाल रही हूँ मैं एक गिलास शक्कर, और इसमें पानी इतना डालना है कि जो शक्कर है इसमें पूरी तरह से डूब जाए। अब ये जो सेव है इसे चूरा कर लेते हैं पूरी तरह से। ये देखिए इसे मैंने पूरा बारीक कर लिया अच्छी तरह से। तो यहाँ पर चाशनी में भी उबाल आ चुका है। और ये जो चाशनी है एक तार की होनी चाहिए, ये देखिए इस तरह से टपकना चाहिए बूंद बूंद। और जो सेव हमने बारीक करके रखा था उसको चाशनी में डाल देते हैं। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग घी का फ्लेवर ऐड करेंगे। तो इसके लिए मैंने तड़का पैन में एक चम्मच घी ले लिया है और उसमें डालेंगे मगज के बीज। इसे थोड़ा सा ही फ्राई करना है और इसे डाल देंगे कढ़ाई में। इसे मिला लेंगे अच्छे से और इसे ढककर रख देंगे एक घंटे के लिए। एक घंटा हो चुका है, मैं इसमें इलायची पाउडर डालना भूल गई थी, तो वो डाल देते हैं इसमें और इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। तो ये मिक्स हो गया अच्छे से, अब बना लेते हैं इसके लड्डू। यहाँ मैं एक चम्मच का नाप लेके बना रही हूँ, तो इससे जो लड्डू है वो सब एक साइज के ही बनेंगे। तो ये बन गया लड्डू और इसी तरह से सभी को बना लेंगे।
तो लीजिए तैयार है हमारे सेव के लड्डू। आप इसे जरूर ट्राई करके देखिए, बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।